अध्यक्ष रविकांत गेंदोली, जिला जालौन। हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के आदेश अनुसार आज जिले के हर जगह कैंडल जलाकर बहन को श्रद्धांजलि दी जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वागत जिंदगी। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु राठौर और शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी और ट्रेंड खबर से। भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने एक साथ मिलकर कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में राबिया सैफी दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल पद पर तैनात थी, जिसकी बलात्कार करके निर्मम हत्या कर दी गई। उसी के विरोध में हत्यारे आरोपियों को फांसी हो। दिल्ली पुलिस महिला कांस्टेबल के पद पर तैनात राबिया सैफी की बलात्कार करके निर्मम हत्या कर दी गई। भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने एक साथ मिलकर जनपद जालौन के कोंच तहसील स्थित चंद्रकुआ पर बहन राबिया को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की एवं जिन लोगों ने बलात्कार एवं निर्मम हत्या की है उन दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। भीम आर्मी के पदाधिकारियों का यह कहना है। स्वागत जिंदगी के लिए जिला ब्यूरो चीफ भानु प्रताप सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। बहन राबिया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बहन राबिया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अपने जनपद जालौन की कोंच तहसील स्थित चंदकुआ पर जो आपने कैंडल जलाकर जो श्रद्धांजलि अर्पित की है ये क्या पूरा? मैं भीम आर्मी जिला अध्यक्ष रविकांत गेंदोली, जिला जालौन। हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के आदेश अनुसार आज जिले के हर जगह कैंडल जलाकर बहन को श्रद्धांजलि दी जा रही है, जिसमें हमारी बहन राबिया को बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई है, जो कि दिल्ली से है। इसमें दिल्ली सरकार हमारे बहन के कातिलों को जल्द से जल्द पकड़कर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और उनको फांसी दी जाए। कुछ नहीं, हेरा फेरी कर रहा है प्रशासन हमेशा। अपने प्रदेश की सभी ताज़ा खबरों को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल स्वागत जिंदगी को सब्सक्राइब करें।